दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्रेस ऑगॉट का जो शॉर्ट स्टोरी है दी ग्रीन लीव्स, उसका दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल के ऊपर बात करेंगे कि ये जो टाइटल रखा गया है दी ग्रीन लीव्स, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस टाइटल के द्वारा ऑथर ने जो सुपरस्टिशन जो बिलीव्स है उसको उन्होंने सिम्बोलिकली दिखाया है। इस शॉर्ट स्टोरी में दोस्तों हम देखते हैं कि जो विलेजर्स है वो जब उस कैटल थीफ को पकड़ते हैं और उसको मारते हैं, बाद में जाकर जब वो मर जाता है, मतलब उनको लगता है कि जब वो मर जाता है, तो वो क्या करते हैं कि ग्रीन लीव्स से, मतलब हरी पत्तियां से उसे मतलब कवर कर देते हैं। तो ये दोस्तों उनका एक सुपरस्टिशियस बिलीव था कि अगर कोई डेड बॉडी को ग्रीन लीव्स से कवर किया जाता है तो उसका जो स्पिरिट है, उसका जो आत्मा है, वो उनके विलेज में एंटर करेगा नहीं। तो उनका एक सुपरस्टिशन एक बिलीफ था कि अगर कोई भी डेड बॉडी को ग्रीन लीव से कवर किया जाता है मरने के बाद, तो उसका जो आत्मा है वो उनके विलेज में घुसता नहीं। तो इसी तरह दोस्तों जो इस ट्राइब का, इस शॉर्ट स्टोरी में जो ट्राइब है, इन ट्राइब का जो सुपरस्टिशियस जो बिलीव है उसको दिखाने के लिए ऑथर ने इस ग्रीन लीव्स जो टाइटल है उसको यूज़ किया है सिम्बोलिकली। तो इसी तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है द ग्रीन लीव्स से सिग्निफिकेंट है, जस्टिफाइड है, क्योंकि इस टाइटल के द्वारा ऑथर ने ट्राइब्स के अंदर जो सुपरस्टिशियस बिलीव रहता है उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। तो इस तरह से हम मे भी कह सकते हैं कि ये जो टाइटल का टाइटल है वो सिग्निफिकेंट है, जस्टिफाइड है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।